अभी नेट सही हो गया, देखो एक बार। यहाँ मेरे से नेट तो सही हो गया, वीडियो सही आना चाहिए। बस सर अब ठीक आ रहे सर। हाँ चलो चलो, मैंने राउटर को एक बार रीस्टार्ट कर दिया, देखते हैं बस फिर भी। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आ जाइए वापस। हमने कहा था कि हम लोग टैप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, एक पीछे कर लेते हैं अब तो ना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन। हम आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, हमें चार पार्ट पढ़ने हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन जो ऑलरेडी रेवन से पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट कर दिया है, तीसरा वेपर प्रेशर, और चौथा पार्ट होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चार चीज़ें हमें पढ़नी है ना। तो दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, है ना। ये भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, या फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, या फिर गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। टोटल नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, टोटल नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों नौ टाइप में से हमें तीन टाइप पढ़ने हैं, कौन से, ये वाले जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, ये वाले, यानी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। बट वी हैव टू स्टडी ओनली थ्री, कौन से, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों ये तीन टाइप हमको पढ़ने हैं जिसमें हमारा सॉलिड है, वन बाय वन, है ना। तो इसके बाद हम लोग वन बाय वन ही इनको स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड से, पहला वाला। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बाद हम लोग अगला देखेंगे, बट पहले है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो आज तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सारे होंगे, चलिए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड लिखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, ऐसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनेगा, है ना। अभी सॉल्यूट जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड लेना है, इसको लिक्विड लेना है, और सॉल्यूशन तो यहां बन ही जाएगा, राइट। अब बच्चों सॉल्यूशन कैसा बन सकता है, तो शायद ये हम आयनिक में बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे क्योंकि हमें जरूरत है इसकी, कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो सकता है, अनसैचुरेट हो सकता है, सुपर सैचुरेट हो सकता है। मतलब ये सॉल्यूशन जो बनेगा ये तीनों टाइप का हो सकता है, अनसैचुरेट, सैचुरेट और सुपर सैचुरेट, ठीक है। ठीक, ये जो होगा ये सॉल्यूशन कैन बी अनसैचुरेट, इट कैन बी सैचुरेटेड, या कैन बी सुपर सैचुरेटेड। दिस सॉल्यूशन कैन बी अनसैचुरेटेड, कैन बी सैचुरेटेड, कैन बी सुपर सैचुरेटेड, राइट। ये तीन में से कोई भी एक हो सकता है ये सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारी कैटेगरी को। सबसे पहले देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है। सबसे पहले
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड है क्या तीनों को एक बार समझते हैं, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों इसको समझने के लिए जो बच्चों ने 11th में मेरे से आईनी पढ़ा है उनको पता होगा मैंने 11th में कहानी बताई होगी आईनी की कराते समय, ठीक है ना। और वहाँ क्या कहानी ऐसी है कि आपकी कैपेसिटी अगर 50 रोटी खाने की है और आप 50 रोटी से कम खा रहे हैं तो आप अनसेचुरेट हैं, 50 एग्जैक्ट खा लिया तो आप सेचुरेट हो गए, और 50 से ज़्यादा जो आप खाना नहीं चाहेंगे लेकिन आपको ज़बरदस्ती खिला दिया गया, फोर्सफुली खिला दिया गया, ठीक है, कि बंदूक लेके कोई खड़ा हो गया, बंदूक के दबाव में आपने खा लिया, तो सर वो आप हो गए सुपर सेचुरेटेड, अपनी कैपेसिटी ज़्यादा खा गए सुपर सेचुरेटेड। तो आपकी जो कैपेसिटी है उससे कम खाया तो अनसेचुरेट, उसके बराबर खाया तो सेचुरेट, उससे ज़्यादा खाया तो सुपर सेचुरेट। और ज़्यादा कोई अपने मन से नहीं खाता, हमेशा कैसे खाता है दबाव में, एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, एक्सटर्नल कोई ना होना चाहिए जो आपको दबाव डाले, वैसे यहाँ होता है। हर सॉल्यूशन की कैपेसिटी होती है, हर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, जैसे आपके पेट की कैपेसिटी वैसे सॉल्वेंट की कैपेसिटी, कि सॉल्वेंट की कैपेसिटी जितनी है, मान लो एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी 50 मोल पर लीटर है, मान लो एक सॉल्वेंट जो है बच्चों, एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी, ये सॉल्वेंट लिया हमने और इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 है, 50 मोल पर लीटर, इसकी कैपेसिटी 50 मोल पर लीटर। अब अगर आपने इसमें 50 मोल से कम रखोगे तो सॉल्यूशन अनसैचुरेट रहेगा, जब तक सॉल्यूशन अनसैचुरेट है जो भी मोल रखोगे अपने आप भूल जाएगा, है ना, 50 से कम डिसॉल्व है सॉल्यूशन अनसैचुरेट है, जब तक अनसैचुरेट है जो भी मोल रखोगे अपने आप भूल जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप इसमें 50वां मोल रखोगे वो मोल तो भूल जाएगा, 50वां मोल तो भूलेगा लेकिन सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, आई रिपीट 50वां मोल तो भूलेगा लेकिन सॉल्यूशन कैसा हो गया सैचुरेट, ठीक है, आई रिपीट 50वां मोल भूला लेकिन सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, सबको समझ में आ गई। लेकिन अगर आप 51वां मोल रखोगे तो भूलेगा नहीं, तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाना होगा, गर्म करना होगा सॉल्यूशन को या स्टेयर करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो एक्सटर्नल एजेंट का काम करे। तो 50 से ज़्यादा मोल नॉर्मली नहीं घुलना चाहेंगे, अगर आपने डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर देना होगा, वो हीट हो सकता है, वो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर और हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखें एट गिवन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, तीन केस हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, इट इज लेस देन सॉल्वेंट कैपेसिटी तो सोल्यूशन अनसेचुरेट होगा। ये अपतुरंत बोलोगे सर इस ऐसा केस है तो अनसेचुरेट सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन सम हाउ अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज nearly equal to solvent capacity, दोनों बराबर हो गए तो ये saturated solution हो जाएगा। और बच्चों अगर कहीं amount of solute present ज़्यादा हो गया, जो कि normally नहीं होगा, कोई ना कोई दबाव देना पड़ेगा तब ऐसा होगा, amount of solute present is greater than solvent capacity तो ये super saturated solution होगा, super saturated solution, right? और ये हमेशा कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, ध्यान रखना ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जो लिखेगा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर राइट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो अनसैचुरेट हो सकता है, वो सैचुरेट हो सकता है, वो सुपर सैचुरेट हो सकता है, ठीक है। हाँ बोलिए सर, ये जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड है ये तो सर रिलेटिव टर्म्स होगा ना, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहेगा। हाँ इसीलिए लिखा है एट गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, एट गिवन टेम्परेचर ही डिफाइन होता है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कैपेसिटी 50 है, टेम्परेचर बदलने में कैपेसिटी बदल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको आपके पेट की कैपेसिटी 50 रोटी खाने की थी, आपने 50 रोटी खा ली, सैचुरेट हो गए, ठीक है, सिंपल चीज है। लेकिन अचानक आप कुछ ऐसा हो, कुछ टाइम मशीन से ऐसा अचानक आप वहां से गायब होके सन पे पहुंच जाए, सन, S-U-N, सन, ठीक है ना,
सन पे टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर, इमेजिन कर सकते हो, सपोज आप उस टेम्परेचर आप सस्टेन कर पा रहे हैं, इमेजिन करो यार, इमेजिन कर रहे तो कुछ भी करो ना, तो उस पर सस्टेन कर गए, वहाँ इतना हाई टेम्परेचर है तो आपके पेट की कैपेसिटी जो अर्थ पे 50 थी, आपने 50 रोटी खा ली, आप सेचुरेट हो गए, अचानक वहाँ से गायब होकर आप सन पे पहुँचते हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, वहाँ कैपेसिटी आपके पेट की बढ़ के 500,000 रोटी हो गई, इतना हाई टेम्परेचर 500,000, इमेजिन। तो पेट में 50 रोटी, अर्थ पे तो सेचुरेट थे लेकिन यहाँ सन पे पहुंचे, वही 50 रोटी पेट में, लेकिन कैपेसिटी बढ़ने के कारण क्या हो गया, अनसेचुरेट हो गए। तो हाई टेम्परेचर पर एक गिवन टेम्परेचर पे सेचुरेट हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अनसेचुरेट। आप अर्थ पे सेचुरेट हैं, मून पे, सन पे जाते क्या हुआ, सन पे जाते ही आपका पेट का कैपेसिटी बढ़ गया, तो आप कैपेसिटी बढ़ गया, रोटी उतनी है तो आप अनसेचुरेट हो गए, कैपेसिटी से कम हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था आप मून पे पहुंच गए, मून मून पे टेम्परेचर कम है, तो आप अर्थ से गायब हुए, अर्थ पे 50 रोटी खाई क्योंकि 50 अर्थ कैपेसिटी थी, अर्थ पे आप सेचुरेट हो गए, लेकिन अचानक आप अर्थ से गायब होते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, मून पे। और जब आप मून पे पहुंचते हैं बच्चों, जब आप मून पे पहुंचते हैं तो मून पे जो है वो टेम्परेचर कम है ना, आपके पेट की कैपेसिटी 5 रोटी घट के 5 होगी, 5 रोटी कैपेसिटी होगी। अब बताइए, अर्थ पे 50 रोटी खा लिए थे, अर्थ पे सेचुरेट थे, मून पे अचानक पहुंच गए, तुरंत टाइम मशीन से पहुंचे, तुरंत पहुंच गए मून पे, तो मून पे पेट की कैपेसिटी कितनी होगी, 5, पेट पे 50 रोटी हैं, है ना, और कैपेसिटी 5 हो गई, तो कैपेसिटी से ज्यादा मौजूद है, यानी आप सुपर सेचुरेट होंगे। जब भी सुपर सेचुरेट होते हो क्या आप कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, 45 रोटी पेट में एक्स्ट्रा है तो आप 45 रोटी वॉमिट कर देंगे, बिल्कुल आउट, ठीक है, तो 45 रोटी तुरंत आप वॉमिट कर देंगे, क्यों, आपको सेचुरेट होना है। ध्यान रखिएगा, अनसेचुरेट अगर कोई होता है, अनसेचुरेट थोड़ी देर के लिए रहता है जब तक एक्सटर्नल एजेंट मौजूद है, एक्सटर्नल फैक्टर हटते ही सेचुरेट होना चाहेगा। तो अगर आप मून पहुंच गए, आप देखिए अर्थ पे 50 रोटी खाई, 50 कैप्सिटी आराम से सो जाते हैं, लेकिन मून पे अचानक गए, वहाँ कैप्सिटी 5 हो गई, पेट में 50 रोटी, आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, है ना, तो आपको वोमिट 45 रोटी वोमिट करेंगे, तब वहाँ की कैपेसिटी मैच करेंगे, तब आप सेचुरेट होंगे, तब आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, ये टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो सेचुरेशन पॉइंट का जो सॉरी सॉल्वेंट का कैपेसिटी बदल सकता है। फिलहाल अगर हाई टेम्परेचर फिक्स कर दें, सॉल्वेंट कैपेसिटी फिक्स है, उससे कम खाया अनसेचुरेट, उससे ज़्यादा खाया सेचुरेट, उसके बराबर खाया सुपर सेचुरेट, तो कम खाया अनसेचुरेट, बराबर खाया सेचुरेट, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा हमेशा एक्सटर्नल एजेंट की मौजूद प्रेजेंट में खाओगे, ज़्यादा खा लिया तो सुपर सेचुरेटेड, ठीक है। सर ये अभी एक ही पेज लिखाए हैं, अभी तुरंत टॉपिक शुरू किया। हाँ बिल्कुल, अभी शुरू किया सर, मेरा भी कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, तो इसलिए। नहीं बेटा, यहाँ भी प्रॉब्लम आया था, अभी हमने 3 बजे ही कनेक्ट किया है, उससे पहले कनेक्ट किया था तो वो सही चला नहीं। ओके सर। चलो, तो हमने आपको बता दिया कि एक जो सॉल्यूशन का टाइप जो हो गया, पहला टाइप है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया, अनसैचुरेट, सैचुरेट और सुपर सैचुरेट। लेकिन एक कहानी है इसमें, सैचुरेट, अनसैचुरेट और सुपर सैचुरेट क्या होता है, एक गिवन टेम्परेचर पे। फिलहाल नोट नंबर 1 लिखिए इसमें, नोट नंबर 1, अनसैचुरेट, सैचुरेट, सुपर सैचुरेट का ही नोट नंबर 1 लिखिए। लिखिए नोट नंबर 1 क्यों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेशन, ऑन सैचुरेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेशन। कहानी तो मैंने बताई कि अगर आपकी कैपेसिटी 50 रोटी खाने की है और मैं 50 रोटी खा ली तो 50/50 आप सैचुरेट हो गए। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, ये एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, देखिए हाई टेम्परेचर पे जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, बढ़ गई, 50 से बढ़ के मान लीजिए कि 100 हो गई। पेट में रोटी 50 हैं, लेकिन 50 रोटी हैं और कैपेसिटी 100 हो गई, तो बताओ जरा, जो गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड था, जो भी सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड था वो, ठीक है, जहाँ कैपेसिटी 50 थी वहाँ सैचुरेटेड था, हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, वो अनसैचुरेटेड। अच्छा, टेम्परेचर के घटा दें, एट लो टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर पे जो कैपेसिटी है मान लो 10 की हो गई, अब बताओ जरा लो टेम्परेचर पे कैपेसिटी 10 हो गई तो पेट में 50 रोटी हैं, कैपेसिटी 10 है तो क्या हो गया, सुपर सैचुरेट हो गया, सुपर सैचुरेट वॉमिट करेगा। और जो सॉल्यूशन वॉमिट करता है तो बच्चों उसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। सॉल्यूशन वॉमिट कर रहा मतलब उसमें घुला हुआ सॉल्यूट सॉल्यूशन के बाहर आ रहा है, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट होता है तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट बॉटम पे कलेक्ट होता है और वो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें एक चीज आ गई, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, तो कहते हैं जो सॉल्वेंट कैपेसिटी होती है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब होता है, सॉल्यूशन जब सैचुरेट होता है ना तो उसकी जो मोलरिटी होती है, जैसे 50 मोल पर लीटर पता है ना सॉल्वेंट कैपेसिटी 50 मोल पर लीटर, हाँ जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है उस समय जो उसकी कैपेसिटी होती है या उस समय जो उसकी मोलरिटी होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है उसे नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी। मेंशन करें, ये भी पढ़ा था मैंने पहले, नोट नंबर 3, नोट नंबर नेक्स्ट, मतलब नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सर एक मिनट रुक जाना, नोट सर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्या बेटा, नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी, इसमें लिखें मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलरिटी ब्रैकेट में मोल पर लीटर, मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी, मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी। मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस प्रकार से पहला टाइप सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हमने खत्म किया। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, इट कैन बी अनसैचुरेटेड, इट कैन बी सैचुरेटेड, इट कैन बी सुपर सैचुरेटेड, है ना। और साथ में नोट भी लिखा क्या, गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेट है, हाई टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड और लो टेम्परेचर पे सैचुरेट हो सकता है, दिख रहा होगा नोट नंबर 1 लिखाया था और नोट नंबर 2 में लिखा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कोई नई चीज नहीं है, क्या है, इट्स मोलरिटी, लेकिन किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को ही बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगला लिखिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखिए सेकंड टाइप सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। सेकंड नंबर अगला सॉल्यूशन लिखना, अगला सॉल्यूशन हम तीन सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, पहला हो गया सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन लिखिए लिक्विड एंड, हां सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, दूसरा सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। देखो बच्चों लिक्विड दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विड, एक होता है पोलर लिक्विड, ये आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया होगा, दूसरा होता है नॉन पोलर लिक्विड, पोलर लिक्विड एंड नॉन पोलर लिक्विड। ठीक है, तो बच्चों पोलर लिक्विड एंड नॉन पोलर लिक्विड जो है वो आप देखोगे इसमें ऐसा कहते हैं जब हम दो लिक्विड मिलाते हैं, दो लिक्विड, पोलर लिक्विड कौन है, पोलर लिक्विड हो गया जैसे पानी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे ना तो ये सब पोलर होंगे। नॉन पोलर जैसे बेंजीन, C6H6, पेट्रोल, ठीक है, डीजल एक्सेट्रा, केरोसिन, ये सब नॉन पोलर है, ऑयल कोई भी है वो नॉन पोलर है ना। पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड दो टाइप के लिक्विड होते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि जब दो लिक्विड मिलाए जाते हैं तो लाइक विल डिसॉल्व, लाइक विल डिसॉल्व मींस पोलर पोलर, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर लिक्विड विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, लाइक विल डिसॉल्व अनलाइक विल नॉट डिसॉल्व, बस इतना ही है। तो लिखिए यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर हो गए, लेकिन जब दो लिक्विड मिक्स करेंगे तो लिखिए लाइक विल डिसॉल्व, लाइक विल डिसॉल्व व्हाइल अनलाइक विल नॉट डिसॉल्व, लाइक विल डिसॉल्व व
while unlike will not dissolve. Like will dissolve while unlike will not dissolve. ठीक है, सर कहां तक हुआ सर? क्या हुआ? नहीं सर अभी सर अभी सर ना नोट वन के बाद सर ना मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा नोट वन के बाद कहां तक हुआ? हम लोग अब दूसरा टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड है ना, इसको स्टार्ट करो। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, और इसमें क्या होता है, लिक्विड दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर लिक्विड के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, नॉन पोलर लिक्विड के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं ना। और इसमें लिखाया मैंने दूसरे में कि जब दो लिक्विड मिलाते हैं वो सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे डिपेंड करेगा, अगर वो लाइक हैं तो रिजॉल्व होगा, अनलाइक है तो रिजॉल्व नहीं होगा। और लाइक और अनलाइक हमें पोलर और नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में सोचना है। पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर, लेकिन पोलर और नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे, राइट? तो पार्ट बी क्या लिखा आपने, लाइक विल डिजॉल्व व्हाइल अनलाइक विल नॉट डिजॉल्व। अब एक एग्जांपल बताओ, एग्जांपल वन देखो, इधर हमने लिया हमने ये लिया पानी, लिया पानी, पानी पोलर है और इसको अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल ROH अल्कोहल है, और जो सब जानते हैं ये पोलर है, पोलर डिजॉल्व होगा तभी ना पैक बनता है, लिक्विड एंड लिक्विड डिजॉल्व होकर पैक बना दिया है ना, सॉल्युबल हो गए। लेकिन जो इस पानी को अगर हम बेंजीन में मिलाते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं, पेट्रोल पेट्रोल मिलाने पे क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। पानी और पेट्रोल कहाँ मिलते हैं, पानी और पेट्रोल घुलेंगे नहीं। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको कभी ना कभी बताया जरूर है, जो दूसरा भी बताने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा वैसे। एग्जाम्पल टू है एसिटिक एसिड, बच्चों ये एसिटिक एसिड जैसे ही पानी में डालते हैं, ये पोलर है हम जानते हैं, पोलर है ये, और पानी में डालते हैं, पानी भी पोलर है, तो पोलर और पोलर आपस में घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, ये सॉल्युबल। अच्छा एसिटिक एसिड को अगर हम इसमें डालें, अल्कोहल में डालें तो भी घुल जाएगा, अल्कोहल, अल्कोहल भी पोलर है, ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देना आखिरी वाला, इस एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालें तो क्या होगा, कुछ पहले बताया अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो सोचो। बेंजीन नॉन पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, बताइए, डिस्कस किया होगा मैंने आपसे कभी ना कभी, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, रिएक्ट तो नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी सॉल्वेंट। बच्चों होता क्या है ना, ये सॉल्युबल हो जाता है, एक्सपेक्टेड नहीं था, इसका एक्सपेक्टेड था, क्या एक्सपेक्टेड था कि सॉल्युबल नहीं होगा, एक्सपेक्टेड था इनसॉल्युबल होगा, बट हुआ क्या, फाउंड सॉल्युबल। ये पोलर ही नॉन पोलर था, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बेंजीन है जो पानी में नहीं घुलेगा, सॉरी एसिटिक एसिड बेंजीन में नहीं घुलेगा, एक्सपेक्टेड था इनसॉल्युबल होगा, लेकिन क्या पाया गया, सॉल्युबल हो गया है ना। इसका कारण क्या है, कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ड्यू टू सॉल्युबल हुआ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता क्या है, देखो जरा समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता यह है कि जो एसिटिक एसिड है वो ऐसा हो जाता है CH3CO2 ये डाइमराइज हो जाता है, बेंजीन में आती एसिटिक एसिड डाइमराइज होता है, और डाइमराइज होने पर जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसा होता है, देखो ध्यान दो CH3COOH है ना, दूसरा देखो देखो बच्चे दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, कैसे, एक इसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऐसे,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण कोई भी हम बता रहे हैं आपको एसिटिक एसिड के लिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ट्रू है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यही करता है, बेंजीन में डाइमराइज होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो चुका है। तो पूछे यहाँ मॉलिक्यूलर वेट 60 लेकिन बेंजीन में मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 120, डाइमराइज हो गया है ये, और डाइमराइज हो गया देखो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेंजीन जैसा ही है, नियरली मतलब रिसेंबलिंग विद बेंजीन, तो बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर हो गया तो नॉन पोलर जैसा बिहेव करता है, बेंजीन में घुल जाता है, घुलना नहीं चाहिए बट घुल जाता है, ठीक है। और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सी डबल ओ एच ग्रुप होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सी डबल ओ एच ग्रुप होता है वो बेंजीन में डाइमराइज होकर घुल जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है याद रखना है। सर हाँ बोलिए बोलिए सर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जब एमएस चौहान में सॉल्व कर रहे थे ना, तो सर इसी तरह का डाइमराइजेशन हो रहा था मतलब एसिटिक एसिड का, तो यही होगा हाँ, क्या मतलब? हाँ हाँ ये बेटा यही होगा, ये हमने कई जगह पढ़ाया हुआ है, एक सॉल्यूशन चैप्टर ये हम फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं, कहाँ पे मोल कांसेप्ट है जहाँ पे फॉर्मेलिटी बताते हैं वहाँ भी बताते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं लेते, फिर फिर अगले में हम फिर यही चीज हम बताते हैं एक अगली जगह कहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन बताते हैं, और फिर ये तीसरी बार यहाँ बताते हैं 12th में आते हैं। तो वही कंसेप्ट है, वहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल मिला होगा कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पूछा जा सकता है। सर मोल में आप रिडॉक्स रिडॉक्स सब पढ़ा दिए। हाँ मोल में सब रिडॉक्स हो गया, अगर आपको चाहिए और आपका छूटा हुआ है या आप भूल रहे हैं, रिवीजन करना समय है आपके पास, सबसे बड़ी बात है समय आपके पास, हमसे वीडियोस ले लीजिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे है ना सर? यूट्यूब पे है लेकिन यूट्यूब में प्लेलिस्ट, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट सोचिएगा मूल कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट होगा उसमें होगा सारा, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत रैंडम मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगा किसके बाद क्या। हाँ सर हाँ अब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड हो गया, दो लिक्विड लाइक विल डिसॉल्व अनलाइक विल नॉट डिसॉल्व, ये कांसेप्ट है लेकिन एक्सेप्शन है, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन एक्सेप्शन होता, घुलना नहीं चाहिए, घुल जाता है बिकॉज ऑफ डाइमराइजेशन दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए तीसरा लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, तीसरा है ये, देखो बच्चों यहां गैस भरी हुई है, कंटेनर बंद है, यहां नीचे लिक्विड है, ऊपर कोई गैस भरी हुई है, यहां गैस, और नीचे जो है लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर गैस नीचे लिक्विड, ओके। बच्चों ये गैस अपना प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पर लगाएगी ऐसे, तो गैस लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड के अंदर घुल जाएंगे, ये देखिए क्रॉस मतलब ये लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर गैस का मॉलिक्यूल घुल गया आपके, जैसे सुना होगा आपने रेड कलर में गैस के मॉलिक्यूल हैं जो लिक्विड के अंदर एक और मॉलिक्यूल घुल गए, आपने सुना होगा पानी में ऑक्सीजन गैस घुल जाती है, तो सुना होगा है ना, वैसा ही कुछ है यहाँ लिक्विड में, क्या है कोई गैस डिसॉल्व हो रही है, ओके। चलो अगला पॉइंट, अब ये गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी चार फैक्टर पर डिपेंड करती है, लिखें
सॉलिबिलिटी, कितनी गैस घुलेगी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा फैक्टर टाइप ऑफ गैस, कौन सी गैस, तीसरा फैक्टर टाइप ऑफ लिक्विड, और चौथा फैक्टर प्रेशर। प्रेशर को लास्ट में लिख रहे क्योंकि उसको थोड़ा समझाना पड़ता है, बाकी सब पहले लिख दिया। तो टेम्परेचर ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस या नेचर ऑफ गैस, एक्चुअली वहां टाइप ऑफ नेचर ऑफ गैस होना चाहिए, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, या नेचर वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या नेचर है उसका, टाइप से बेटर होगा नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर, ठीक है, ये चीज है। चलिए पहला देखिए, नेचर ऑफ गैस, सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या होगा, देखिए पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हो रहा है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब पानी चाय बनाने के लिए पानी को उबालते हैं पहले, तो उसमें बबल्स निकलते हैं, क्यों, अरे पानी में ऑक्सीजन गैस घुली थी, आपने पानी गर्म किया तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल थे ना उनका टेम्परेचर बढ़ा, और गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखिए बच्चों ये लिक्विड था, ये गैस का मॉलिक्यूल ट्रैप था, ये गैस के मॉलिक्यूल है लिक्विड के अंदर, है ना, और गैस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस के मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT, राइट, ये गैस के लिए फॉर्मूला है, गैस का मॉलिक्यूल है ये, सर ये वाला, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब अच्छा टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी बढ़ेगी बाहर निकल जाएगा, जो गैस का मॉलिक्यूल घुला हुआ था टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकल गया तो क्या हुआ, गैस के अंदर नहीं रहेगा तो गैस में सॉलिबिलिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल घटते हैं, सॉलिबिलिटी घटती है, लिखे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिक्रीजेस, solubility of gas and liquid decreases on increasing temperature, solubility of gas and liquid decreases solubility of gas and liquid decreases on increasing temperature, theek hai, solubility of gas and liquid decreases on increasing temperature. ये समझ गए, पहला temperature बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, गैस की solubility घटेगी। अरे cold drink को ठंडा करके पीते क्यों, अरे cold drink को ठंडा करने पीने करने से क्या होगा, बस गर्म करेंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी, ठंडा करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस cold drink में घुल जाएगी, और टेस्ट उसी गैस का ना होता है, जितनी ज्यादा गैस cold drink में घुली होगी उतना ज्यादा टेस्ट आएगा। cold drink को ठंडा करने का रीजन यही है, गैस ठंडा करने में सॉलिडिटी बढ़ेगी, गर्म करने में सॉलिडिटी घट जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, तेज कर देते, रुको इसको इधर लगाना पड़ेगा, एक मिनट सेट करते, हाँ अभी ठीक हो बेटा, यस सर, यस सर। चलो देखो नेचर ऑफ गैस, जब भी आवाज धीमा है बता दिया करो, नेचर ऑफ गैस क्या होती है बच्चों, गैस दो टाइप की होती है, टेम्पररी गैस और परमानेंट गैसेस, है ना, तो टाइप ऑफ गैस जो है फिलहाल दो टाइप की होंगी, एक वो इनको बोलते हैं परमानेंट गैसेस, दूसरी टेम्पररी गैसेस, परमानेंट और टेम्पररी, टेम्पररी गैस।
परमानेंट गैस क्या होती है? जिनको कंडेंस करना आसान ना हो, डिफिकल्ट टू कंडेंस। लेकिन टेम्पररी गैस इजी टू कंडेंस, राइट? इजी टू कंडेंस। बच्चों कोई गैस आसानी से कंडेंस हो रही है मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। गैस आसानी से कंडेंस हो रही है मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तभी मॉलिक्यूल आसानी से कंडेंस हो जाएंगे, पास आ जाते हैं। तो अच्छा इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल हो गए जैसे जो गैस आपने कभी लिक्विड नहीं देखी, हाइड्रोजन नहीं देखा होगा, ऑक्सीजन भी कम देखा होगा, नाइट्रोजन भी बहुत कम देखा होगा, नाइट्रोजन जरूर देखा होगा जो आइसक्रीम बनाने में यूज होता है लिक्विड नाइट्रोजन, बट कंडेंस करना मुश्किल है ना। टेम्पररी गैसेस जो हमें आपने देखा हो कंडेंस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व कर लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, अमोनिया, ये गैसें आसानी से कंडेंस होती है ना। तो दो टाइप की गैसें होंगी, एक टेम्पररी जो आसानी से कंडेंस होती हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, दूसरी परमानेंट जिनको कंडेंस करना लगभग बहुत डिफिकल्ट है, और कंडेंस करना डिफिकल्ट है बच्चे, जो परमानेंट गैसेस होती हैं उनको कंडेंस करना डिफिकल्ट होता है, राइट? तो अब बताओ जरा, अगर मैं पूछूं सिर्फ इतना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी, तो आपके कॉमन सेंस क्या बोलता है, कौन सी गैस ज्यादा घुलनी चाहिए? सर टेम्पररी गैस। टेम्पररी गैसेस आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू परमानेंट गैसेस, क्यों? क्योंकि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, तो पानी के सॉल्वेंट के इंटरेक्शन में आपके सॉल्वेंट के संग ज्यादा फोर्स शो करते हैं। तो लिखिए, इस ये टेबल खत्म करिए, टेबल के नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए टेम्पररी गैसेज आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू परमानेंट गैसेस, टेम्पररी गैसेज आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू परमानेंट गैसेस, राइट? Temporary gases are more soluble as compared to permanent gases. तो nature of gas पे ऐसे depend करेगा, nature gas जो है तुमको दी है वो temporary है कि permanent, right? इसका रीजन क्या बताते हैं? बेटा रीजन है बिकॉज़ ऑफ हाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इन गैसेस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है तो आसानी से आपस में जब आते हैं आपस में ज्यादा होता है, और जब पानी सॉल्वेंट कांटेक्ट में वहां भी ज्यादा होता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है बिकॉज़ ऑफ दैट ये आसानी से कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है इसलिए आसानी से कंडेंस हो रहे हैं। So, अगला था ये था नेचर ऑफ गैस, दो फैक्टर हो गए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, और नेचर ऑफ गैस पे टेम्पररी गैसेस आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस। तीसरा फैक्टर लिखें, नेचर ऑफ लिक्विड, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा लिक्विड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड जो है दो टाइप के होते हैं, कौन से? पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड, दो ही टाइप के लिक्विड होते हैं। कहते हैं पोलर लिक्विड में क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा प्लस और माइनस पोल होते हैं, और नॉन पोलर लिक्विड ऐसा बिल्कुल उसमें कोई पोल नहीं होते, ऐसा होता है इस टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कोई पोल नहीं होते। अब मुझे बताइए अगर लिक्विड पोलर है और गैस आयनाइज हो जाए, जो गैस आयनाइज हो सकती हैं बताइए बच्चों, जो गैस आयनों में टूट सकती हैं, जो गैस आयनाइज हो सकती हैं, वो किस सॉल्वेंट ज्यादा घुलेंगी, पोलर की नॉन पोलर? कॉमन सेंस है पोलर, बिल्कुल पोलर। यही लिखना है कि गैसेस विच कैन आयनाइज विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड एज कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड, लिखे गैसेज, सेकेंड पॉइंट, गैसेज विच कैन आयनाइज विल बी मोर सॉल्युबल, gases which can ionize will be more soluble
क्या लिखा बच्चों, गैसेस विच कैन आयनाइज विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड. गैसेस विच कैन आयनाइज विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड. ठीक है, चलिए आखिरी में लिखें चौथा फैक्टर प्रेशर. बच्चों प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है इसके, कि लॉ आता है हेनरीज लॉ. क्या हेनरीज लॉ आता है, HENRY हेनरीज लॉ. और हेनरीज लॉ क्या है, ये कॉमन सेंस है, मैं आपको बताता हूं, आप बताएंगे जो आप भी वही चीज बताएंगे जो हेनरी ने बताई, बट उसने स्टडी करके बताई, आप कॉमन सेंस से बताएंगे क्यों. उसने स्टडी करके फॉर्मूला डराइव किया. जनरल बात तो कोई भी कह सकता है ना, जैसे कोई चुनाव कौन जीतेगा ये कोई बता सकता है, कई बार बता देते लोग, लेकिन कितने वोट से जीतेगा ये बिना कैलकुलेशन का नहीं बताएगा, बताया जाएगा. उसी प्रकार से है, हेनरी ने बताया था, आप भी बता सकते हैं, लेकिन आपका अंदाज है हेनरी के कैलकुलेशन से. क्या है, हेनरी ने ऐसा बताया, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लिक्विड है, कोई लिक्विड है, यहाँ पे ऊपर भरी गैस, है ना, गैस का प्रेशर अगर पी है, अब बताओ गैस का प्रेशर अगर पी बढ़, अच्छा कुछ मॉलिक्यूल क्या है गैस के अंदर भी घुले हुए, क्रॉस वाले एक दो मॉलिक्यूल गैस के अंदर भी ऐसे. और देखो बच्चों अगर गैस का प्रेशर ये पी बढ़ जाए, ये प्रेशर पी बढ़ा दें, तो गैस अपने मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेशर लगाएगी, तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर ज्यादा जाएंगे. तो आप जब सोच के बताइए, सोच के बताइएगा, ये कॉमन सेंस ही अब तरीके से हो गया, कि प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड के अंदर गैस की सॉलिडिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, है ना. जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ज्यादा अपने मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर पुश करेगा, और लिक्विड उसका मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहां डिसॉल्व हो जाएगा. यानी गैस का प्रेशर बढ़ाने पे उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. ये हेनरीज लॉ है, हेनरी ने यही नियम दिया था, आप भी लिख लें, लिखिए हेनरीज लॉ लिखें. देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, इट्स प्रेशर. Solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas. Solubility of gas in liquid is directly proportional to its partial pressure. So partial pressure of gas, ये directly proportional होगा किसके, लेकिन at constant temperature होगा, at constant temperature according to Henry's law. क्या है partial pressure of gas जो है वो किस पे depend करता है, gas की solubility. अच्छा बच्चे एक बात बताओ ध्यान दो, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें लिक्विड के मोल जो है ना, लिक्विड के मोल N2 मोल लिक्विड है, और जो गैस के मोल गए हैं वो N1 मोल है, N1 मोल गैस घुली हुई है, तो इस लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सर, N1 by N1 plus N2. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कितना हो जाएगा, गैस के मोल N1 अपॉन N1 plus N2, ये ना होगा. ध्यान दो बच्चों, हेनरी ने क्या बोला कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान दो, अगर ये प्रेशर बढ़ेगा P, तो क्या बढ़ेगा, N1 बढ़ेगा कि N2 बढ़ेगा, N1 बढ़ेगा सर, N1 बढ़ेगा. अगर बच्चों N1 बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, x वैल्यू बढ़ेगी ना, ये बस
हेनरी ने क्या किया था, सॉल्विटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा था इसमें। उसने बोला अगर पी बढ़ाओगे तो एन1 बढ़ेगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड बढ़ेगा, पी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है ना, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। इसको खाली x लिखेंगे थोड़ी देर हम, तो इसको खाली p लिखेंगे, तो p इज प्रोपोर्शनल टू p इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा बच्चों यहां पे k, एक कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे kh, इसको h फॉर हेनरी होता है, और ये x आ जाएगा। देख लो यही हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है, p इक्वल टू kh इनटू x, जहां x क्या है ये लिखा हुआ है, और kh क्या है, kh हेनरीज कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, kh हेनरीज कांस्टेंट। सर हल्का ब्लर आ रहा है। यस सर, एक दो मिनट रुको, कब ब्लर सही है सर, सही है सर, सही है, मतलब सबको ब्लर नहीं बच्चों, अगर सबको ब्लर नहीं तो साइड मेरे साइड इशू नहीं, आप तो अपने साइड अपनी जगह थोड़ा जगह चेंज करिए। सर वॉइस फिर से कम हो गया, वॉइस नहीं, जिनको भी हो गया मेरे साइड प्रॉब्लम नहीं है भी, अगर सबको कम होगा तो मैं अपनी प्रॉब्लम मान लूंगा। क्या सबको कम होगी वॉइस? नो सर, नो सर, सब ठीक है, ठीक है, मतलब फिर बच्चा नेट फ्लक्चुएट होता, हो सकता है आपके साइड हो गया हो, थोड़ा एक दो मिनट वेट करिए सही हो जाएगा, नहीं नहीं हो तो फिर रीस्टार्ट करिएगा, आपको रीस्टार्ट करिएगा। सर ऊपर क्या लिखे सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, रेड कलर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, हाँ बच्चों, तो केएच का हेनरीज कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेंपरेचर क्या है, वैसे कांस्टेंट टेंपरेचर लिया, ये डिपेंड करता है टेंपरेचर क्या है, ये डिपेंड करता है गैस कौन सी है, ये डिपेंड करता है आपने लिक्विड कौन सा लिया, मतलब बहुत सारी चीजों डिपेंड करेगा। गैस बदल गई तो हेनरीज कांस्टेंट बदल जाएगा, लिक्विड बदल गया हेनरीज कांस्टेंट बदल जाएगा, टेंपरेचर बदल गया तो भी हेनरीज कांस्टेंट बदल जाएगा, मतलब ये नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड और टेंपरेचर सब पे डिपेंड करता है, लिख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल एज टेंपरेचर, हेनरीज कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए अभी के अभी। सर वो हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, गैस कौन सी है, लिक्विड कौन सा है, क्या है, तो नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, प्रेशर पे नहीं, नहीं प्रेशर तो देखिए प्रेशर तो चेंज कर ही रहे ना, yes. तो हेनरीज कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे सॉरी करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है और लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड। सर आज सीपीपी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, सीपीपी मिलेगा, हाँ सीपी मिलेगा, बल्कि आज के सीपी ना बच्चों, अब हम सोच रहे हैं चलिए देते हैं, आज आपको देते हैं, वरना ऐप में अपलोड कर देंगे वहीं से आप लोग ले लीजिएगा सबको, फिलहाल आज हम आपको ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है।
रुके रुके। हाँ बच्चों हो गया ना, चलिए yes, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, पीएस इक्वल टू केएच इनटू एक्स। यहां केएच तो हेनरी कांस्टेंट, एक्स क्या है गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, और पी क्या है उस गैस का पार्शियल प्रेशर, पी है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लिखा भी वैसे। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखे बच्चों, फाइंड आउट मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल पर केजी ऑफ वाटर फाइंड आउट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल पर केजी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। केस आपको दिया है, केस जो है आ जाएगा ये 1 × 10⁴ एटीएम। करो बेटे मैं पानी पी लूं, उसको सॉल्व करो, एटमॉस्फेयर में दिया है केएच, ये सॉल्व करो मैं।
सर कितना आंसर आया बच्चों बोलेंगे सर 0.0115 सर मुझे 5 नहीं आया तो 0.011 ठीक है अगर सबका आ रहा है तो अगर सबका आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं वही आंसर मान लूंगा सर मैच तो नहीं कर रहा नहीं कर रहा चलो देखो आप यही मान लो ना देखो नीचे पानी है नीचे पानी है 1000 ग्राम पानी है 1 kg है ना 1000 ग्राम पानी वाटर ऊपर गैस है ना और गैस का प्रेशर P है और P हमको दिया है कितना 2 atm इसके कारण गैस अपने मॉलिक्यूल को पुश करती है और यहाँ पे N1 मोल गैस मान लो घुल जाती है तो आप क्या बोलोगे अच्छा पानी इसके मोल कितने हैं इसके मोल 1000 ग्राम इसके मोल निकालोगे तो आएंगे 55.55 वेट 18 डिवाइड करो मोल आगे पानी के अब क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन इनटू KH ऐसा तो ये हमको दिया 2 atm यहाँ देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन KH आपको दिया है KH 10^4 दिया है atm वैसे भी इसका डायमेंशन का डायमेंशन सेम होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन लेस है ना यहाँ पे गैस के मोल N1 अपॉन टोटल मोल N1 प्लस 55.55 ऐसे सॉल्व करना है अभी जो भी आंसर आएगा N से निकालना है ठीक है तो ये आ जाएगा N1 प्लस 55.55 इक्वल टू ये आ जाएगा 10,000 है ना 10,000 बाई 2 5,000 इंटू N1 इसको इधर ले जाइए तो 4,999 N1 equals to 55.55. तो N1 कितना आ जाएगा? 55.5 upon 4,999. तो यही है। बस यही आंसर है, ठीक है? कैलकुलेशन यस यही है तो कैलकुलेशन में इसके बाद गलत कर। तो यही है। चलो एक छोटा क्वेश्चन और बच्चों। छोटा क्वेश्चन और। फिर ये अगला पार्ट खत्म हो जाएगा, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। अगला पार्ट दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है? तो इस बार क्या है ना इस बार हम अभी हमने नाइट्रोजन का प्रेशर डायरेक्ट दे दिया कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दे दिया अब क्या करेंगे अब अगले क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे कि ऊपर जो है ना एयर भरी है एयर और एयर में क्या है नाइट्रोजन प्लस अदर गैस ठीक है तो पहले तो हमें को यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर डायरेक्ट पता था इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना होगा डाल्टन्स लॉ का यूज करके डाल्टन्स लॉ बोलता है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर ठीक है अच्छा लिखिए क्वेश्चन लिख लो पहले लिखिए एयर कंटेन्स 80% नाइट्रोजन बाय मोल फाइंड आउट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सॉल्युबल फाइंड आउट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सॉल्युबल एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए ना एयर कंटेन्स 80% नाइट्रोजन बाय मोल फाइंड आउट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल पर 100 मोल ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm
2 atm for air. बच्चों करना यहाँ भी वही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन इनटू केएच, है ना. अच्छा केएच आपको गिवन है, केएच यही ले लो, सेम केएच लो जो पिछले क्वेश्चन में लिया था, केएच इक्वल टू वही ले लो 10 पावर 4 एटीएम, ठीक है. अब बच्चों ये तो 10 पावर 4 एटीएम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ये निकालना होगा. क्यों बच्चों? यहाँ डाल्टन्स लगाना पड़ेगा. डाल्टन्स लॉ बोलता है, डाल्टन्स लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया 0.8, 80 मोल है ना, 100 में 80 है, 0.8 इनटू कितना है 2 एटीएम ना, तो 1.6 एटीएम आ गया. ये 1.6 एटमॉस्फेयर आ गया, ये बाकी तो वही है, खाली इतना ही एक्स्ट्रा था ना. यहाँ डायरेक्ट प्रेशर नहीं दिया था, 2 एटीएम एयर का प्रेशर दिया था. एयर के प्रेशर को, एयर का प्रेशर मतलब नाइट्रोजन प्लस अदर गैस का, तो एयर के प्रेशर से नाइट्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एयर के प्रेशर से नाइट्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए हम डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे कि टोटल प्रेशर में एयर के प्रेशर में नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा जो 2 इनटू 0.8 यानी 1.6 का, उसको रखो. बाकी वही है, आपको नाइट्रोजन के मोल यानी N1 निकालना है, टोटल मोल N1 प्लस 100 हो गए, ये रखो सॉल्व, N1 सॉल्व करना आ जाएगा. इसको भी सॉल्व कर लो एक बार, देखो क्या आता है. पिछले वाले में तो आंसर 0.011 आया है. यस सर, 011 था उसमें. यहां 0116 है. यस सर, 11 था. ओके बच्चों, सर जेई में जो डेसिमल प्लेसेस का देता है वो कितना देता है, मैक्स टू मैक्स 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना होता है. 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है सर. उस तरह का भी टेस्ट एक बार करवाइएगा ना सर, डेसिमल वाला, डेसिमल प्लेस वाला टाइप का. ठीक है ठीक है ठीक. सर हाँ बोले बेटा. सर आप बोले थे ना कि मतलब फिजिकल शुरू करेंगे तो वो ऑर्गेनिक का क्विज अरेंज कर देंगे टी बैच के लिए. सर अरेंज कर दीजिएगा ना इस, मतलब इस आरआईटीएस के बाद से. ठीक है बेटा, हम अलग से बात करते हैं, फोन पे डिस्कस करते हैं आइडिया क्या है इसका, ठीक है ना. यस सर, मैंने बोला था, मुझे याद है. हाँ देखो जरा, हाँ जी बच्चों ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया. आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब बात करेंगे वेपर, हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगला पार्ट है वेपर प्रेशर. लेट अस स्टार्ट वेपर प्रेशर.
लेट अस स्टार्ट वेपर प्रेशर, ठीक है? देखो अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं, अगला टॉपिक है, तो जो वेपर प्रेशर होता क्या है, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करूं कि एक कंटेनर में यहाँ पानी भरा है, ये ओपन है और ज्यादा पानी का लेवल ये पानी इतना है, दूसरा छोटा कंटेनर है उसी लेवल तक पानी भरा है, तीसरा कंटेनर बड़ा है लेकिन क्लोज्ड है, चौथा कंटेनर छोटा है लेकिन क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, कंटेनर डी, बताइए बच्चों चार के चार कंटेनर में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? डी सर, डी सी बी एस। और कोई बताएगा सर क्वेश्चन क्या था? इन सभी में किस में वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा? सी में या डी में? सर सी में, सी में सर, सी में। देखो बच्चों आपका आंसर जो है पता नहीं, ठीक है, लेकिन इन चार के चारों में वेपर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इसको इस बात से मतलब नहीं है कि वेसल ओपन है वेसल क्लोज्ड है, पानी कम लिक्विड कम है लिक्विड ज़्यादा है, वो फ्लोर पे फैला दिया कि स्पून में ले लिया पानी, कहीं भी हो पानी, नदी में पड़ा हो, नाले में पड़ा हो, स्पून में हो, उसका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, ठीक है? पानी का कम होना, आवाज धीरे धीरे आ रहा है, वेसल खुला होना वेसल बंद होना इन सबका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है? तो इन सब के सब में वेपर प्रेशर सेम होगा, वेपर प्रेशर चार के चारों में सेम होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो लिखिए जरा, वेपर प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द फोर कंटेनर्स, यहां लिखिए वेपर प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द फोर कंटेनर्स, वेपर प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द फोर कंटेनर बिकॉज वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ because vapor pressure is a property of liquid and depends only on temperature, because vapor pressure is a property of liquid and depends only on temperature and depends only on temperature, theek hai, and depends only on temperature. Dekho, vapor pressure will be same in all the four container and because vapor pressure is the property of liquid and depends only on temperature. Kuch log meri is baat se agree nahi bhi honge, sir aisa kaise? Open vessel mein pressure kahan se aayega? Hai na? Kahan se vapor pressure develop hoga? Ye point mein aa sakti baat, to unke liye choti si baat bata dein. वेपर प्रेशर डिफाइन कैसे किया गया? देखो बच्चों वेपर प्रेशर होता क्या है, इसकी दो डेफिनेशन आपको बताएंगे, एक वो डेफिनेशन जो आपने दिमाग में रखनी है, जो समझनी है, दूसरी जो एग्जाम में लिखनी है। होता क्या है, ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट समझने होंगे। देखो जरा, पहला पॉइंट, अगर हमने लिक्विड का एक सैंपल ले लिया, कोई भी लिक्विड का सैंपल, इसमें लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। इस लिक्विड के सैंपल में अगर हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करें उनकी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, तो वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसा गैसीय स्टेट में बनता था, मैक्सवेल कर्व ऐसा कुछ। ये यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल,
और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी भी ले सकते थे, है ना। सबकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इस रेंज में होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी इस रेंज में होगी, बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होगी। तो बच्चों गैस के सैंपल में मौजूद सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, कुछ लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, मॉडरेट। कुछ मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल और मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। अब बात आती है, सबसे पहले हमने क्या समझा, लिक्विड का सैंपल होता है और लिक्विड के सैंपल में सारे काइनेटिक एनर्जी की, सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, बल्कि उनका एक ग्राफ होता है, इस टाइप का ग्राफ फॉलो करते हैं वो, इस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बच्चों, अब कहते हैं ठीक है, सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है, कुछ लो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ हाई है, कुछ मॉडरेट है। चलिए अब क्या कहते हैं, क्या इससे एवोपरेशन होगा? अरे एवोपरेशन तो हर पल होता है, हर पल एवोपरेट होते हैं मॉलिक्यूल, लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल हर पल एवेपोरेट होते हैं, राइट। सर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है? क्या चीज बेटा? सर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या लिखे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, CURV, अच्छा CURV कर्व है, डबल आर लिख दिया, कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अच्छा बच्चों, अब बात आती है एवोपरेशन कैसे होता है। तो एवोपरेशन जो होता है उसके पहले कहानी, एवोपरेट कैसे होते हैं, तो लिखिए पार्ट बी इसी में, वेपराइजेशन। ध्यान रखना हमारा एम क्या है, हमारा एम है वेपर प्रेशर को समझना, लेकिन वहां तो उसको वहां तक जाने से पहले हमको कुछ छोटी छोटी बातें और आनी चाहिए, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो वेपराइजेशन क्या होता है, देखो बच्चों इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट बी, वेपराइजेशन या एवोपरेशन। देखो क्या होता है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये इसकी सरफेस से यहां भरा हुआ बहुत सारा, कहते हैं इसकी सरफेस से लगातार मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं, लगातार मॉलिक्यूल लगातार निकलते रहते हैं। ये हेडिंग क्या दी है? वेपराइजेशन। अच्छा बच्चों जरा OTP नोट कर लो, टी बैच के बच्चे OTP निकले 5541, टी बैच 5541, और ए बैच के स्टूडेंट्स लिख लें, ए बैच के बच्चे लिखें 10494। सर ऐप में कुछ प्रॉब्लम आएगा सर, बहुत लेट से ओपन हो रहा है, टेस्ट वेस्ट के कारण। ठीक है, उसको हम लोग
चेक करवा लेंगे, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जी ये जब से जियो का नेटवर्क स्लो हुआ तब से कुछ तब से स्लो चल रहा है देखा गया। ठीक है सर, कल PSS सर भी क्लास लेने के बाद फिर OTP नहीं दिए थे, बोला कि खुल ही नहीं रहा है, जनरेट ही नहीं हो पाता बेटा। हो सकता है पर चेक करवा लूंगा। ठीक है, हो सकता सर्वर एंड पे कुछ इशू। टी बैच का OTP टी बैच का OTP बताया था ना, सॉरी पहले ए बैच लिखो 10494 सर। टी बैच का 5541 टी बैच 5541 टी बैच 5541 ठीक है। चलो अब बच्चों देखो वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन होता है कि लिक्विड की सरफेस पे, अच्छा वेपराइजेशन पहले बताते हैं, वेपराइजेशन होता क्या है, पहला पॉइंट देखें वेपराइजेशन में होता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि लिक्विड भरा हुआ है ना, ये इसकी पूरी सरफेस से हर पल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे होंगे, इसी को वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल होंगे इसके लिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए रहा, मान लो ये सरफेस पे एक मॉलिक्यूल होगा, सरफेस से ही मॉलिक्यूल निकलते हैं, इस सरफेस से ये मॉलिक्यूल है, इसके नीचे के मॉलिक्यूल जो होंगे ना ये सब इसको अंदर खींचेंगे। ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, है ना। और ये मॉलिक्यूल क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी कारण बाहर निकलना चाह रहा है, ये चाह रहा है बाहर निकले। अच्छा, इसके बगल में एक और दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों, ये दो मॉलिक्यूल कंपेयर करते हैं, ये इसके साथ भी यही हो रहा है, इसको इसके नीचे के मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहे हैं ये ऐसे, और ये अपनी एनर्जी कारण बाहर निकलना चाह रहा है। अब देखो बच्चों, ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा डिपेंड करेगा ये जो मॉलिक्यूल है सब सरफेस पे, ये लो काइनेटिक एनर्जी है, मॉडरेट है कि हाई है। अगर ये हाई काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर ये मॉडरेट है, इसमें मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी लो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हुआ तो बाहर नहीं, ये वापस अंदर आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो सरफेस का मॉलिक्यूल, हर सरफेस पे आने वाला मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं होता, सरफेस पे आने वाला वही मॉलिक्यूल वेपराइज होता है जो हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन को बिलोंग करता है, बाकी सरफेस के सारे मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं। जो दिखाया ना, सरफेस से मॉलिक्यूल निकलना वेपराइजेशन है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल सरफेस वाले बाहर नहीं जाते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं, वही बाहर जाते हैं जो हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन में लिखें, दोनों फोटो बना लीजिए अगल बगल या ऊपर नीचे जहां जगह हो, और लिखें ड्यूरिंग वेपराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग वेपराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, क्या लिखा मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बच्चों, क्या लिखा अगर बताओ कोई। ड्यूरिंग वेपराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लीव्स लिक्विड सरफेस एंड गोज इनटू वेपर फेज। लीव्स लिक्विड सरफेस and goes into vapor phase. Only those molecules, only those molecules from surface only those molecules from surface will leave during evaporation, only those molecules from surface will leave from evaporation, during evaporation, which belongs to
which belongs sir, to goes into vapor phase ke baad kya hai and goes into vapor phase ab kya likhe only those molecules from surface will leave only those molecules from surface will leave which belongs to sir during evaporation which belongs to which belongs to high kinetic energy fraction which belongs to high kinetic energy fraction only those molecules from surface will leave which belongs to high kinetic energy fraction acha ye ho gaya evaporation kya samjhe सरफेस से लगातार मॉलिक्यूल का निकलना एवेपोरेशन है और सरफेस पे आने वाला हर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा वही मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे जो हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन को बिलोंग करेंगे मॉडरेट या काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट या लो काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल वापस अंदर चला जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा राइट तो ये लिखिए वेपराइजेशन बच्चों ए बी बी पार्ट हो गया पी सी पार्ट सी लिखिए पार्ट सी पार्ट सी लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉरी एक मिनट पार्ट सी में कुछ और पहले फोटो खींच लें बस एक मिनट दो देखिए पार्ट सी लिखिए रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट क्या होता है तो पार्ट सी लिखिए इसका रेट ऑफ हम वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर बट उसके वहां उसको समझने के लिए ये सब छोटी छोटी बातें जाननी चाहिए पार्ट सी लिखिए रेट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर बताऊंगा आगे पहला ये है एक कंटेनर ये है ये दूसरा कंटेनर ये बताइए बच्चों किसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा सेकंड कंटेनर सर सेकंड कंटेनर यहां भी निकल रहे हैं मॉलिक्यूल यहां भी निकल रहे हैं मॉलिक्यूल ठीक है ना लेकिन रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों में बराबर होगा क्यों रेट हाँ इसमें वेपराइजेशन जल्दी हो जाएगा ये वेसल जल्दी खाली हो जाएगा लेकिन रेट क्या होता है रेट होता है एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और यूनिट एरिया इसका यूनिट एरिया देखिए यूनिट एरिया यहाँ भी दो निकल रहे होंगे यूनिट एरिया यहाँ भी दो निकल रहे होंगे तो रेट कैसे डिफाइन करेंगे एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं यूनिट एरिया से टोटल एरिया से नहीं यूनिट एरिया से बच्चों यहाँ भी यूनिट एरिया से दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं यहाँ भी यूनिट एरिया से दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो दोनों में रेट ऑफ वेपराइजेशन सेम है बट सेकंड वेसल में वेपराइजेशन जल्दी होगा क्योंकि सर्फेस एरिया ज्यादा है तो हर यूनिट एरिया से दो मॉलिक्यूल निकलेंगे लेकिन रेट कैसे डिफाइन है रेट डिफाइन है यूनिट एरिया के लिए लिखिए सेम रेट दोनों में सेम रहेगा सेम रेट ऑफ वेपराइजेशन है ठीक है सेम रेट लिखिए व्हाट इज रेट ऑफ वेपराइजेशन लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपराइजिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइजिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइजिंग पर सेकंड हाँ लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइजिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइजिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज रेट ऑफ वेपराइजेशन ब्रैकेट में डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर देखो बच्चों टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ऐसे आ गया
टेम्परेचर ब्रैकेट में क्या लिखना था, कहां पे ब्रैकेट लिखना, कहां ब्रैकेट लिखे हैं अभी, वो डिपेंड डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, हां डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। देखिए परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ये टेम्परेचर T1 हो गया, फिर क्या बच्चों, अगर ये टेम्परेचर T1 है तो इसमें से कौन से मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वेपराइज होंगे। हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लीजिए ये वाले, ये देखो बच्चों हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल इतने थे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, यानी बोला इससे ज्यादा अगर एनर्जी होगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, वो एरिया अंडर द कर्व है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, राइट ये ग्राफ ग्राफ राइट में जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ ऐसा चला जाएगी, देखो ऐसे टेम्परेचर T2 पे ग्राफ ऐसा चला गया। अब वो मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल देखिए जरा, जिनकी काइनेटिक इससे ज्यादा है उनका परसेंटेज बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, नहीं परसेंटेज बढ़ गया। तो टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, T2 ज्यादा है, और बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सवेल ग्राफ राइट में जाएगा, तो हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल जो है पहले इन ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक शेडेड एरिया उतने थे, अभी रेड शेडेड एरिया वाले हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, कौन से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, बच्चों हाई काइनेटिक एनर्जी वाले ही वेपराइज होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ राइट पर जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ राइट पर जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, और हाई काइनेटिक मॉलिक्यूल बढ़ गए वही तो बाहर निकलते हैं, तो बच्चों बाहर निकलने में मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, यूनिट एरिया से बढ़ेंगे, और बाहर निकलने में मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, जो मॉलिक्यूल वेपराइजेशन कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई, क्यों, ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया। तो मैक्सवेल ग्राफ ऐसा टेम्परेचर बढ़ाने पर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ जाता है, लिख लीजिएगा रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। अच्छा बच्चों किसी एक टेम्परेचर रेट फिक्स रहता है लेकिन दूसरे टेम्परेचर रेट बढ़ जाता है। अभी क्या है, अब बात आ रही है कि अगला पॉइंट है बच्चों पार्ट डी, वेपर प्रेशर क्या होता है, अब मैं आपको समझा पाऊंगा पार्ट डी वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो वेपर प्रेशर होता क्या, इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि जब वेपराइजेशन होता है, या इससे पहले एक छोटी सी कहानी, नहीं कहानी नहीं, पहले ऐसे फोटो बनाओ, ये लिक्विड का सरफेस है, हम जान रहे हैं मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ड्यूरिंग एवेपरेशन, है ना, ये ओके। अब जब बच्चों थोड़ी सी कहानी भी समझो, मान लो आप एक अपने घर में बैठे हो, आप जिस घर में वहीं बैठे हो, और उस घर में जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ एक विंडो है, और विंडो से बाहर सड़क दिखती है, ऐसा रूम चूज करिए, तो ये विंडो है, ये आपका मकान है, इसमें आप ऊपर हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ विंडो है, विंडो पे यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे ना राइट है, और ये सड़क है। अब सड़क पे कोई, आप सड़क पे खड़े थे, अब आप यहाँ से सड़क पे चले गए, यहाँ सड़क पे आप आ गए, और आपने क्या देखा कि आपकी विंडो से एक सिंपल सा एक कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर आया, सपोज ये पेन बाहर गया, ऐसा मार्कर टाइप कुछ पेन था, आपको पेन बाहर आते हुए देखा, ये बताइए बच्चों, आप दिख रहा पेन बाहर आ रहा है, आप यहाँ खड़े होकर क्या देख पा रहे हो, सिर्फ कि विंडो से पेन बाहर आ रहा है और तो कुछ आपको दिख नहीं रहा। अब आप क्या सोचोगे, आप तुरंत दिमाग लगाओगे, विंडो से अगर पेन बाहर आ रहा है तो जरूर अंदर कोई रहा होगा, और जो अंदर रहा होगा उसने इस पेन को बाहर फेंका है, पेन अगर बाहर आ रहा है तो अंदर से ही किसी ने इसको बाहर, इमेजिन आप अंदर क्या, यहाँ खड़े होकर क्या सोचेंगे, अंदर कोई रहा होगा, उसने पेन को बाहर फेंका है, और पेन को बाहर फेंकने में उसने कुछ तो प्रेशर लगाया होगा ना, थिंक अबाउट दैट प्रेशर ओनली। सड़क पे खड़े होके आपको विंडो से पेन बाहर आता हो दिख रहा है, और आप सोच रहे हैं कि पेन बाहर आ रहा है मतलब उस विंडो के अंदर से किसी ने इसको बाहर फेंका है, और जिसने इसको फेंका है उसने इस पर कुछ तो प्रेशर लगाया है, है ना, उस प्रेशर के बारे में सोचना, आइए कुछ कुछ ऐसा ही सोचेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ लिक्विड के बाहर हैं, ये रहे आप। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, इसको बाहर आते हुए देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का बाहर आते हुए देख रहे हैं, आप तुरंत सोचोगे इस लिक्विड को, अगर सरफेस से लिक्विड का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है मतलब किसी ने तो इसको बाहर फेंका होगा, और जिसने इसको बाहर फेंका होगा उसने इस पर कुछ तो प्रेशर लगाया होगा। हाँ बच्चों, जब आप बाहर से देख रहे हो कि लिक्विड का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है
आप क्या सोच रहे हो? अच्छा बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसको अंदर से किसी ने बाहर फेंका, और अंदर है कौन? खुद लिक्विड, खुद लिक्विड ने इसको बाहर फेंका। तो लिक्विड ड्यूरिंग वेपराइजेशन, लिक्विड जिस प्रेशर से अपने मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता है उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ड्यूरिंग वेपराइजेशन लिक्विड जिस मॉलिक्यूल से, जिस प्रेशर से अपने मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता वही वेपर प्रेशर है। ठीक है, लिखिए देखिए, प्रेशर विद विच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कम्स आउट ड्यूरिंग वेपरेशन, प्रेशर विद विच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कम्स आउट ड्यूरिंग वेपरेशन इज नोन एज वेपर प्रेशर, है ना? और अब अगर डेफिनेशन लिख ली है तो सोचो, शुरू में एग्जांपल मैंने दिया था, चार कंटेनर रखे तो मैंने कहा चारों में वेपर प्रेशर सेम है। इस डेफिनेशन जाओगे तो चारों में वेपर प्रेशर सेम मिलेगा। हाँ, चारों में वेपरेशन हो रहा होगा, चारों मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे होंगे, है ना, और चारों में लिक्विड अपने मॉलिक्यूल ऊपर की ओर फेंक रहा होगा, जिस प्रेशर से फेंक रहा होगा वही वेपर प्रेशर है। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, यही वेपर प्रेशर है, बट आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं जो इस प्रेशर को नाप पाए। फिर तो इसको निकालने के लिए एक जुगाड़ वाली डेफिनेशन बनाई गई, जो आप लोग याद करते हैं जुगाड़ वाली डेफिनेशन, अगली क्लास में वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन और करके लिखिए, और करके यहीं शुरू करेंगे, और एक दूसरी डेफिनेशन है जुगाड़ वाली डेफिनेशन, वहां से शुरू करेंगे कि सर ठीक है, हमें यही प्रेशर, हमें प्रेशर निकालना है जिस प्रेशर से लिक्विड मॉलिक्यूल को बाहर फेंक रहा है, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? तो जुगाड़ से निकालेंगे। कैसे जुगाड़ से निकालेंगे अगली क्लास में देखेंगे, अभी आपकी भी क्लास होगी 5:15 से, मेरी भी होगी, ठीक है ना? एंड करते हैं यहाँ, यहीं तक नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? थैंक यू। आज कोई क्लास नहीं है ना सर? क्यों, मेरी तो है ना, आपकी नहीं, मेरी है 5:15। अच्छा, यस सर। ए बैच का ओटीपी, ए बैच का ओटीपी बोलो कोई, वैसे लिखो 10494 सर। 10494 सर। टी बैच का, टी बैच का है 15541 सर। टी बैच 15541। ठीक, थैंक यू सर। सर यहाँ तक जो पढ़ाएं तो इसमें एनसीईआर मूल कॉन्सेप्ट का, क्या बोले सर? मूल कॉन्सेप्ट का वीडियोस आप व्हाट्सएप करिए, लिंक दे देंगे। हाँ, आप बोलिए। और क्या कोई कोई कुछ बोल रहा था सर? इसका वीडियो सेंड कर देना, पीडीएफ ना भेजेंगे सर। टोटल 21 वीडियोस है सर मूल कॉन्सेप्ट से। हाँ, तो आपको जो सेक्शन में प्रॉब्लम हो उस देख लो सर। 23 है सर, 23 है। अरे तो अपना एक एक पूरा नहीं है, एक पूरा नहीं है सर। पूरा 2 महीने पढ़े थे मूल कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, तो 23 वीडियो है, 23 क्लास है, 2 महीने ही पढ़े होंगे लोग। एक दिन में 2 वीडियो देख लो, पढ़ा हुआ तो है सर। 1.5 पे देख लेना है, 2 पे देखते हैं। आपको जो पोर्शन आपको जरूरी है वो देखो, ठीक है सर? जो जो जरूरी लगता है उसको देख लेना। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सर।